आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जिपमर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसकी फैसिलिटी, पीजी में क्या फायदा है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो मैं इस वीडियो में इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। इसका एक जो दूसरा कैंपस है कराईकल, वो बहुत ही कम मार्क्स पर मिल जाता है। तो वो कैंपस लेने से आपको पीजी में क्या फायदा होगा, क्या इसकी कट ऑफ जा सकती है, इस वीडियो में हम जिपमर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। शायद ही ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिले जिसने आपको सब कुछ समझाया हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा स्टेट आयुष वेटनरी के बारे में बुक अवेलेबल है। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको वो सारी चीजें समझा रखी हैं जिसकी आपको जानकारी की जरूरत है, जैसे कि सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, काउंसलिंग प्रोसेस हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, वो कैसे होता है, कट ऑफ इसमें डिटेल दे रखी है, कट ऑफ की कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, फिर इसमें च्वाइस लिस्ट भी दे रखी है कि आपको किस प्रकार से 2020 की च्वाइस लिस्ट भरनी है, उस प्रकार इसमें सब कुछ समझाया गया है। अब हम बात करते हैं जिपमर के बारे में। तो जिपमर INICT के अंडर आता है, यानी कि ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। 2008 में पार्लियामेंट में इसको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था, और जो इसका पीजी का एग्जाम होता है वो INICT के थ्रू होता है, जिसमें इस कैंपस से, यानी कि जिपमर क्राइकल और जिपमर पुडुचेरी दोनों कैंपस से MBBS करने वाले स्टूडेंट को यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलता है जो 50% होता है। इसमें ये इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पहले से ही मिल रहा है। तो ये जो पुडुचेरी का कैंपस है, जिपमर पुडुचेरी का कैंपस पुराना कैंपस है पुडुचेरी का, और इसके बाद में जो कराईकल का कैंपस है, वो कराईकल का कैंपस न्यू कैंपस शुरू हुआ है। पुडुचेरी का 1964 से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि इसकी नींव 1956 में ही लग गई थी, तो 1964 में ये फुली फंक्शनल हो गया था। कराईकल की बात करें तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ था ये कराईकल कैंपस। इसके अंदर पीजी कोर्स भी चल रहे हैं और यूजी के MBBS कोर्स भी चल रहे हैं। इसमें 2069 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें 500 बेडेड हॉस्पिटल है। दोनों कैंपस अच्छे कैंपस हैं। इसमें जो फैकल्टी है आपस में चेंज होती रहती है, इसलिए टीचिंग फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों का सेम है। कराईकल की फैकल्टी पुडुचेरी में चली जाती है और पुडुचेरी की आपस में ये ट्रांसफर होता रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों कैंपस ही, पुडुचेरी कैंपस और कराईकल कैंपस, दोनों ही अच्छे हैं इसमें। अब हम इसमें बात करें कि जो फायदा होता है इसमें, वो क्या फायदा होगा। अगर आप पुडुचेरी से MBBS करते हैं या फिर कराईकल से MBBS करते हैं, तो दोनों से ही आपको फायदा होगा कि आप पीजी में इनकी 50% सीट के लिए दावेदार हो जाएंगे, यानी कि इंटरनल कोटा आपको जिपमर का मिलेगा 50%। दो सेशन की INICT की एग्जाम होती है, जनवरी और जुलाई सेशन में, दोनों में 20 से 25% तक इसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, यानी कि हर पांचवा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का होता है जो अपने सीट का दावेदार होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग। तो ये तो थी इसकी बात। अभी इसमें BSc नर्सिंग कोर्स भी होता है जिसकी 75 सीट से, अगर जिस स्टूडेंट को MBBS नहीं मिलता है तो वो इसके BSc नर्सिंग कोर्स में भी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद में हम इसकी बात करें, ये दोनों इसमें नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में आते हैं तो पीजी में आपको काफी फायदा होगा इसमें। हालांकि कराईकल कैंपस में सिर्फ यूजी कोर्स ही चलता है, 62 सीट से इसमें MBBS की, लेकिन इसमें जल्द ही पीजी कोर्स शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पुडुचेरी है इसके अंदर पीजी और यूजी दोनों चलते हैं। अगर आप कराईकल से भी MBBS करते हैं तो आपको पीजी कोटा पुडुचेरी में मिलेगा, और जब तक आप MBBS करके, आपका MBBS कंप्लीट होगा तब तक कराईकल में भी ये पीजी कोटा लागू हो जाएगा। तो इसमें अगर आप MBBS करते हैं इन दोनों कैंपस से,
तो आपको काफी सारा फायदा है। अब हम सीट्स की बात करें तो इसमें टोटल 249 सीट्स हैं। 249 सीट्स में पुडुचेरी कैंपस के लिए जो सीट है वो 187 सीट्स हैं एमबीबीएस की। इस 187 सीट्स में जो इंटरनल सीट्स है दोनों की मिला के वो 64 है। ट्राइकल और पुडुचेरी की 64 इंटरनल सीट है। तो 187 सीट से पुडुचेरी में है और 62 सीट से वो ट्राइकल में है। इस प्रकार से और एनआरआई की 6 सीट है, 5 सीटें पुडुचेरी में है, 1 सीट ट्राइकल में। इस प्रकार से टोटल 6 सीट्स एनआरआई की है। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 249 सीट्स हैं, जिसमें 64 सीट्स इंटरनल कोटा होता है जो पुडुचेरी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है, और बाकी जो टोटल सीट्स है ऑल इंडिया के लिए वो 179 सीट्स अवेलेबल हैं, 179 सीट्स अवेलेबल हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो होगी जिपमर में क्या फायदा है आपको एमबीबीएस करने से। अब मैं आपको इसके कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोनों कैंपस की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कैंपस की कट ऑफ में काफी सारा डिफरेंस रहता है। तो इसमें हम पुडुचेरी और फिर कराईकल दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो पुडुचेरी कैंपस है उसमें कट ऑफ रह सकती है 690, यूआर की 690 कट ऑफ रह सकती है। इसकी तो कट ऑफ हाई रहती है, लेकिन जो कराईकल कैंपस है उसकी कट ऑफ 630 रहती है। मैंने आपको बता दिया कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कैंपस में। आपका जो कराईकल का कैंपस है वो भी स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है। फायदा आपको यह है कि 630 पर आपको जिपमर मिल रहा है, जो बाकी नॉर्मल कॉलेजेज मिल रही हैं उस नंबर पर आपको जिपमर ट्राइकल मिल रहा है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 680 रह सकता है जिपमर पुडुचेरी में और 620 रह सकता है कराईकल में। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 670 रह सकता है पुडुचेरी में और 620 रह सकता है कराईकल में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ सेम रह सकता है कराईकल कैंपस में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 630 रह सकता है जिपमर पुडुचेरी में और 530 रह सकता है कराईकल में। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 600 रह सकता है पुडुचेरी में और 500 रह सकता है कराईकल में। तो ये कट ऑफ रह सकती है 22 में। आपको अच्छा मौका मिल सकता है इस कट ऑफ पर एमबीबीएस एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने में, ताकि आपको पीजी में फायदा ही फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, टीचिंग फैसिलिटी ये तो अच्छे हैं ही, क्योंकि जिपमर टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आता है तो ये तो फैसिलिटी है ही। इसके साथ में आपको जब कम नंबर पर ट्राइकल कैंपस में एमबीबीएस करने का मौका मिलता है तो ये सबसे बेटर है। तो ये जानकारी थी जिपमर के बारे में। बाकी इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।